डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये आईक्यू सेक्शन का पार्ट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन मूव करता है और अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, और बाज़ अवकात ऐसे भी केसेस हैं जिसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज की जाती है कि पहले वो लेफ़्ट की तरफ टर्न ले लिया, फिर उसने राइट की तरफ टर्न ले लिया, या फिर वो 30 डिग्री ईस्ट की तरफ मुड़ गया, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा होता। लेकिन कॉमन जो क्वेश्चन हैं उनमें डायरेक्शन भी चेंज होती है और डायरेक्शन के साथ साथ वो डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा होता है, और अमूमन इस टाइप के क्वेश्चन में फाइनल डायरेक्शन हमने बतानी होती है। अब ये फाइनल डायरेक्शन या तो रेफरेंस टू डायरेक्शन चार्ट होगी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वगैरह के लिहाज से कि किस डायरेक्शन में उसकी फाइनल डायरेक्शन है, यानी कि अगर एक शख्स इस तरह से चल रहा है फिर वो राइट साइड पर मुड़ जाता है और फिर वो यहाँ से फिर लेफ्ट की तरफ टर्न लेता है, तो अब इसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है कि इस तरफ इसका फेस है तो ये इधर जा रहा है, तो इसको फिर हम डायरेक्शन चार्ट की मदद से बताते हैं कि इसकी फाइनल डायरेक्शन ये है। या बाज़ुकात इनिशियल पोजीशन के लिहाज से उसकी डायरेक्शन पूछी जाती है कि उसकी डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन के लिहाज से क्या है, तो इसके इसमें हम ये देखते हैं कि इसकी ये डायरेक्शन है, इनिशियल पोजीशन ये थी, यहाँ से इसकी डायरेक्शन ये बनती है, तो अगर वो वापस आना चाहे और स्ट्रेट पाथ से वापस आना चाहे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक्चुअली टेस्ट देने वाले की डायरेक्शन सेंस को चेक करते हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर्टन रूल्स भी मौजूद हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें आर्बिट्रेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है गलतियां ज़्यादा होंगी और हमें उसी वक्त जब वो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी वक्त हमें बहुत ज़्यादा सोचना होगा। लेकिन अगर हम कुछ रूल अंडरस्टैंड कर लें, इस किस्म की स्टेटमेंट में हमने कौन सी टर्न लेनी है और किस डायरेक्शन में टर्न होगा, तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान हो जाते हैं। तो देखते हैं कि इस किस्म के क्वेश्चन को डील करने के लिए कौन सी लॉजिक और कौन से रूल्स हमें अप्लाई करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डायरेक्शन चार्ट। देखिए अब डायरेक्शन चार्ट क्या है, अब देखें इसमें चार तो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं जो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, उसमें ये है नॉर्थ और ये जो एरो का निशान है ये इसको शो करता है ये नॉर्थ है, फिर इसके इस तरफ ईस्ट होता है राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर वेस्ट, और इसी के नीचे नॉर्थ के बाद साउथ है, तो ये जो वाइट से शो हो रहे हैं यहाँ पर ये कार्डिनल डायरेक्शन है, और ये याद रखें कि इनके दरमियान 90 डिग्री होता है, यानी कि अगर डायरेक्शन है ईस्ट तो साउथ की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ 90 डिग्री के साथ। ये अगर कोई शख्स ईस्ट की तरफ जा रहा था और वो टर्न लेता है साउथ की तरफ तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएं और उसको नीचे की तरफ मोड़ दें तो ये साउथ में आ जाएगा, तो बाकी डायरेक्शन में भी 90 डिग्री का डिफरेंस होता है एंगल के लिहाज से, और फिर कुछ इन बिटवीन डायरेक्शन भी हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट मूव करे 90 डिग्री पर, हो सकता है कि वो दरमियान वाली डायरेक्शन इख्तियार करता है, जैसे कि अगर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और उसके बाद वो इधर जाता है बजाय इसके कि ये ऊपर जाता नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, उसके बजाय वो इन बिटवीन एक डायरेक्शन में गया है, तो आप देखें कि ये अगर हम इसको इस तरह शो करें ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट, तो ये किधर जा रहा है, इन दोनों के दरमियान में, तो इसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, तो देखें ये यहाँ भी शो हो रही है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान 45 डिग्री दोनों कार्डिनल एक्सिस के साथ, ईस्ट के साथ भी इसका 45 डिग्री नॉर्थ के साथ भी 45 डिग्री, तो दरमियान में जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से ईस्ट और साउथ के दरमियान साउथ ईस्ट आ जाएगा, साउथ और वेस्ट के दरमियान साउथ वेस्ट होगा, वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान नॉर्थ वेस्ट होगा, और हर एंगल 45 डिग्री होगा। लेकिन कार्डिनल के दरमियान यानी कि इन जो बेसिक डायरेक्शन है ये चारों, इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90, तो इन बिटवीन जाहिर है 45-45 के दो एंगल बन जाएंगे। फिर इसमें बाज़ औक़ात हमें डिस्टेंस भी बताना होता है कि स्टार्ट और एंड के दरमियान डिस्टेंस कितना बनता है, डायरेक्ट डिस्टेंस, तो उसके लिए अमूमन इस किस्म के क्वेश्चन में पैथागोरियन इक्वेशन यूज़ की जाती है,
ताकि डिस्टेंस मालूम किया जा सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ट्राइंगल का सामना करना पड़ता है, यानी कि वो इस तरह की सिचुएशन होती है कि लास्ट में जाकर ट्राइंगल बन जाती है, जैसे कि एक शख्स इधर गया, फिर वो इधर गया और फिर इधर गया, तो अब अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना हो तो वो ये बनेगा। तो देखें इसमें दो ट्राइंगल बन गई हैं, ये और ये। तो मुख्तलिफ अंदाज के अंदर क्वेश्चन होते हैं, कभी इस तरह से वो जाता है, फिर इस तरह जाता है, और पूछा जाता है कि ये डिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए जाहिर है ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के रूल अप्लाई होंगे। तो ट्राइंगल राइट एंगल अमूमन बनती हैं, तो राइट एंगल के लिए पैथागोरियन इक्वेशन होती है, और वो क्या है, वो है कि अगर एक ट्राइंगल ये है आपके पास, जिसमें ये लेंथ या डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है बी और ये है सी, तो इन तीनों डिस्टेंसेस के दरमियान रिलेशन क्या है, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अब इस रिलेशन से अगर हमें दो डिस्टेंसेस मालूम हो तो तीसरा डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, और वो है पैथागोरियन रेशियोज। राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जब हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर अंडर रूट और इस किस्म का डाटा हमारे सामने नहीं होता, बल्कि ये होल नंबर्स में होते हैं अमूमन। डिस्टेंसेस जो है वो ज़्यादातर होल नंबर्स में होते हैं, डिस्टेंस ना तो नेगेटिव होगा और इसी तरह से अंडर रूट में भी डाटा नहीं होगा हमारे पास। तो ये होल नंबर्स के लिए कुछ रेशियोज भी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब पहली रेशियो ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो, राइट एंगल ट्राइंगल, तो 3 4 5, ये तीन बेसिक रेशियोज हैं, 3 4 5 ये रेशियो है तीनों साइड्स के दरमियान, यानी कि अगर एक साइड 3 हो, एक साइड 4 हो, तो थर्ड साइड 5 होगी। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 का स्केयर इज इक्वल टू 4 स्केयर प्लस 3 स्केयर है, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो 25 इज इक्वल टू 25। देखें ये इक्वेशन होल्ड करती है। तो अगर आप इसे याद रख लें 3 4 5 को, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दो साइडें इनमें से आ जाएं, 3 और 5 आ जाए, तो थर्ड साइड 4 होगी, और अगर दो साइडें 3 और 4 हैं तो थर्ड साइड 5 होगी, और 5 जो है वो सबसे बड़ी साइड, यानी कि ये आपने लेनी है। फिर दूसरी जो रेशियो है वो है 5 12 13, ये भी इसी तरह से कि अगर एक ट्राइंगल यूं आ जाती है आपके सामने और पता लगता है कि ये 5 डिस्टेंस है, ये 12 है, तो ये लाजमी तौर पर 13 होगा। तो अगर आप ये दो रेशोज भी याद कर लें तो आपके क्वेश्चन को तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अमूमन देखने में आता है कि या तो ये रेशो होती है या ये, इसके अलावा दो रेशोज और भी हैं, लेकिन वो कॉमनली डायरेक्शन क्वेश्चन में नज़र नहीं आती। ज्योमेट्री का अगर टॉपिक आप करें तो वहाँ इसके बारे में बहुत डिटेल मौजूद है कि हाउ टू यूज दीज रेशोज। अगर चाहते हैं कि इसको मजीद डिटेल में देखें और मजीद कम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आसानी से करें, तो आप ज्योमेट्री की वीडियो भी देखें, जिसमें ये इक्वेशंस और रेशोज ज़्यादा डिटेल से डिस्कस की गई हैं। फिलहाल ये है कि दो रेशोज आप याद रखें, 3 4 5 एंड 5 12 13। अभी जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि जहां पर भी डिस्टेंस मालूम करना होगा तो हमारे सामने इसी किस्म का डाटा आएगा। ज्यादातर वो आने को कोई भी आ सकता है, अंडर रूट में भी आ जाता है समटाइम, लेकिन कॉमनली 3 4 5 और 5 12 13 से काम चल जाता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। खालिद वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। पहले 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब वो स्टार्ट से एंड तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन ही डिस्टेंस का है, तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन चार्ट चाहिए ताकि हम डायरेक्शन को उसके मुताबिक कर सकें। तो ये हमारे सामने है डायरेक्शन चार्ट, स्क्रीन पर ये इस तरह से बना हुआ है, लेकिन आप प्रैक्टिकली खुद बना सकते हैं इसे, कोई ऐसी बात नहीं है। एन ई ये आप इसकी जगह पर बनाएं और फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कार्डिनल डायरेक्शंस की बात हो रही हो तो आप ये चार्ट जरूर बना लें, एक साइड पर, पेपर के एक साइड पर आप ये चार्ट बनाकर इस तरह से, और फिर इसके रेफरेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें।
तो देखें, खालिद वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो हम कहते हैं जी ये नॉर्थ की तरफ, ये उसका है स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से वो चलता है, इसको हम रेड से शो कर लेते हैं कि वो यहां से चला है। अब उसके बाद, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10। सेकंड क्या है, 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। अब ये यहां पर पहुंचा हुआ है, यहां से वापस जाता है साउथ, क्योंकि नीचे की तरफ है ये। पहले वो नॉर्थ की तरफ गया ऊपर, फिर वापस 6 आ रहा है साउथ की तरफ, तो इसका मतलब है उसी पाथ पर 6 वापस आ जाएगा। तो मैं इसको भी डिफरेंट कलर में ले लेता हूं। ये यहां से वापस आकर इस जगह पर पहुंच गया, और ये डिस्टेंस है 6। तो बाकी कितना बच गया, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 4 बच गया। अब उसने फेस किधर किया हुआ, साउथ की तरफ, उसका फेस है इधर। उसके बाद क्या स्टेप है, देन ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट किधर है, ये ईस्ट है, इसका मतलब है अब वो 3 इधर जाएगा। अब हमने बताना क्या है, ये है उसका एंडिंग पॉइंट, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने ये डिस्टेंस बताना है। देखें, पहले ही क्वेश्चन में 3 4 का डाटा आ गया, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। यहां पर राइट एंगल है, 3 एक साइड है, 4 एक साइड पे है, तो थर्ड साइड क्या होगी, 5 होगी। ये जो अभी मैंने आपको रेशियोज बताई थी 3 4 5, आप इसे पैथागोरस इक्वेशन से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो हमें पता है कि आंसर इसका 5 ही आएगा। तो जब एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो थर्ड साइड जो सबसे बड़ी साइड है राइट एंगल के अपोजिट, वो 5 होगी। तो इसका आंसर है 5 किलोमीटर। अब 5 सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है, अब हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो अब इस वक्त ये यहां पर है, और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। हमने बताना क्या है, डायरेक्शन इन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसकी डायरेक्शन है स्टार्टिंग के लिहाज से वो इस तरफ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरफ जा रहा मौजूद है। ये नहीं देखना कि वो जा किधर रहा है, हमने डायरेक्शन बताती है बतानी है कि स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ डायरेक्शन क्या है। तो ये बनती है ये डायरेक्शन। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, तो अब इसका तरीका ये है कि आप अमूमन जब बड़ा क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट गलती करते हैं और वो भूल जाते हैं कि ये क्या बन रहा है। हालांकि ये तो एक छोटा क्वेश्चन है और आसानी से पता भी लग रहा है, लेकिन आप क्या करें, आप समझेंगे इस डायरेक्शन चार्ट को आप इस पॉइंट पे रख लें, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। देखें, मैंने ये नॉर्थ ईस्ट ये लिया, यहां रख दिया, क्योंकि ये नीचे साउथ होगा, इधर वेस्ट होगा। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है इसकी डायरेक्शन, और डिस्टेंस है 5, जो के ऑप्शन डी में दिया गया है। फ्रॉम हिज हाउस लुकमान वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, देन ही टर्न वेस्ट, फिर वो वेस्ट की तरफ टर्न करता है और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। देन ही टर्न साउथ, फिर साउथ की तरफ कवर करता है 5 किलोमीटर। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट और 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक की डायरेक्शन बतानी है। तो आप देखें वही चीज कि हमें डायरेक्शन चार्ट लाना पड़ेगा स्टार्ट में, ये डायरेक्शन चार्ट है। तो सबसे पहली मूवमेंट उसकी है 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, ठीक है, हम कहते हैं दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से वो 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ आ गया, अब वो यहां मौजूद है, ये 15 है। देन ही टर्न वेस्ट, फिर वो वेस्ट की तरफ मूव करता है 10 किलोमीटर, तो वेस्ट है इधर, तो ये 10 किलोमीटर इधर आ गया। देन ही टर्न साउथ, फिर वो साउथ की तरफ मूव करता है 5, ये 5 साउथ की तरफ, क्योंकि साउथ नीचे मौजूद है। फाइनली टर्निंग ईस्ट, फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ता है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहां से वो 10 का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहां आ गया। तो
अब वो यहां मौजूद है। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये है, तो डायरेक्शन कौन सी हुई? स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, लेफ्ट राइट मूवमेंट। जैसे कि अभी हमने कार्डिनल डायरेक्शंस में मूवमेंट देखी कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस तरह से मूव कर रहा था, लेकिन बाद का तो ऑब्जेक्ट को मूव कराया जाता है लेफ्ट राइट के लिहाज से। अब लेफ्ट राइट यानी कि ह्यूमन बीइंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिहाज से उसकी मूवमेंट देखी जाती है, तो इसमें रेफरेंस भी पर्सन होगा। अगर वो लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है तो एक्चुअली वो अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो चार्ट के लिहाज से इसकी मूवमेंट क्या होगी, ग्राउंड के लिहाज से क्या होगी, वो बहुत आसान है। वो आप ये समझेंगे कि अपना फेस आप उधर करें जिस तरफ डायरेक्शन है। मतलब अगर हम कहते हैं कि जी वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो नॉर्थ की तरफ उसका फेस आप कंसीडर करें, फिर देखें राइट और लेफ्ट क्या होगा। मसलन अगर हम कहें कि जी ये नॉर्थ की तरफ फेस, इस तरफ इसका फेस है जिधर एरो की डायरेक्शन है, तो जाहिर है राइट साइड इधर होगी, लेफ्ट साइड इधर होगी। तो बाकी में भी इस तरह से आप सोच सकते हैं, यानी कि अगर आप सोचकर भी करें तो आप कंसीडर करें कि फेस किधर है। आप फेस को इग्नोर नहीं करेंगे, उसके बाद लेफ्ट राइट आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ रूल भी हैं जो अभी अगली स्लाइड पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी आपके सामने है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे याद कर लें, लेकिन याद करने के बजाय जो मैंने बताया ना आपको कि आप फेस को कंसीडर करें और लेफ्ट राइट, जाहिर सी बात है आप आराम से मालूम कर लेंगे। अदरवाइज ये है कि अगर कोई शख्स नॉर्थ की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ जब टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। लेफ्ट में उसके वेस्ट होगा और राइट में उसके ईस्ट होगा। इसी तरह से अगर कोई शख्स वेस्ट में है तो देखें अब उसका फेस इधर है, तो राइट साइड उसकी ये आएगी और लेफ्ट साइड उसकी ये आएगी। तो राइट साइड पर क्या है? राइट साइड पर नॉर्थ है। लेफ्ट पर क्या है? देखें राइट साइड पर नॉर्थ, लेफ्ट साइड पे साउथ। इसी तरह से किसी शख्स का फेस अगर ईस्ट की तरफ है तो जब वो लेफ्ट की तरफ टर्न लेगा तो नॉर्थ में जाएगा और राइट की तरफ टर्न लेगा तो साउथ में जाएगा। एंड अगर उसका फेस साउथ की तरफ है, लेफ्ट में उसके ईस्ट होगा और राइट में उसके वेस्ट होगा। तो ये जनरली भी सोचकर किया जा सकता है। फर्दर देखते हैं, तो वही डायरेक्शन चार्ट है कंप्लीट। अब इसमें देखें कि लेफ्ट साइड पर जब मूव कर रहा है तो वो एक्चुअली आप क्या करें, उसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दें कि क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है। यानी कि जो क्लॉक है उसकी नीडल्स, उसकी घंटों वाली सुई और मिनट वाली सुई किस तरह टर्न लेती है, वो इस तरह चलती है। जैसे कि अगर ये क्लॉक है तो उसकी नीडल्स यूं मूव करती हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसके अपोजिट क्या होगा कि आप यूं मूव करें, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट साइड पर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर एक शख्स नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, ये नॉर्थ है, अब लेफ्ट साइड पर टर्न लेना है, लेफ्ट साइड पर, तो देखें लेफ्ट का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है वो इधर जाएगा। अगर लेफ्ट पर टर्न लेता है तो वो इस तरफ हो जाएगा, इधर क्या है? वेस्ट। अगर राइट पर टर्न लेगा तो इधर, ये ईस्ट। तो ये बड़ा आसान काम है। लेफ्ट मीन काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और राइट मीन क्लॉकवाइज। अगर नॉर्थ की तरफ है और उसने राइट साइड पर टर्न लेना है तो जाहिर है क्लॉकवाइज किधर होगा? इस तरफ होगा, क्योंकि क्लॉक इस तरह मूव करता है। और काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वो यूं मूव करेगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ये बहुत आसान और इजी थ्रू अप्लाई टेक्निक है कि आप लेफ्ट राइट को क्या याद करें, लेफ्ट मीन एंटी क्लॉकवाइज और राइट मीन क्लॉकवाइज। और ये भी याद रखें कि जब कहा जाता है ना कि वो लेफ्ट टर्न लिया उसने, मसलन अगर हम कहें कि ये डायरेक्शन है, लेफ्ट में टर्न लिया उसने, तो लेफ्ट में इधर आना है उसने, तो हमेशा याद रखें कि ये 90 डिग्री पर टर्न होगा,
कभी भी आप किसी और एंगल पर मूव नहीं करेंगे या नहीं कराएंगे जब तक कि वो मेंशन ना करे। अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कितने एंगल पर टर्न लेना है, लेफ्ट का मतलब है 90 डिग्री, राइट का मतलब है 90 डिग्री, राइट साइड पे भी 90 डिग्री होगा, लेफ्ट साइड पे भी 90 डिग्री। अगर वो कहता है लेफ्ट साइड पे टर्न लिया गया तो आप 90 डिग्री लेंगे टर्न के लिए, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह, इसका फेस इधर है पर्सन का, अब वो कहता है जी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट किधर होता है? काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि ये मोशन, तो इसका मतलब है यहां पर उसकी मोशन आएगी, उसकी डायरेक्शन होगी ये, और इसके अपोजिट जाहिर है राइट के ऊपर हो जाएगा। तो राइट और लेफ्ट का मतलब है 90 डिग्री का टर्न। वन डे राजा लेफ्ट होम एंड साइकिल 20 किलोमीटर साउथवर्ड। फिर वो राइट साइड पर टर्न लेता है, राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, एंड टर्न राइट साइकिल 20 किलोमीटर, फिर लेफ्ट पर 20। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्टेट? वापस होम जाने के लिए स्टेट डिस्टेंस कितना होगा? तो देखिए इसके लिए वही, हमें एक तो डायरेक्शन चार्ट चाहिए, ये तो आ गया डायरेक्शन चार्ट। अब उसने सबसे पहला किया है साउथ वर्ड, साउथ है नीचे की तरफ, तो अगर हम ये कहें कि जी ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पहला डिस्टेंस है 20 किलोमीटर साउथ की तरफ, साउथ है नीचे, तो हम ये कहते हैं कि जी ये साउथ की तरफ उसने 20 किलोमीटर कर लिया। अब वो यहां मौजूद है, उसके बाद अब वो राइट साइड पे टर्न लेगा 10 किलोमीटर, तो राइट साइड पर उसने टर्न लिया 10 किलोमीटर, अब वो यहां आ चुका है इस जगह पर। देन फिर राइट पर टर्न लेता है और 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो अब राइट पर फिर इसका ये टर्न आ गया, अब वो यहां पहुंच गया, ये भी 20 है। एंड टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट पर टर्न लेता है, तो लेफ्ट पे टर्न और साइकिल 20, यहां पर भी वो 20 का ट्रैवल, अब वो इस जगह मौजूद है, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। पूछा क्या है कि उसे वापस घर जाने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी डायरेक्ट, तो वो यहां से यूं जाएगा और ये उसका होम है, यहां स्टार्टिंग पॉइंट पे उसने पहुंचना है, तो ये डिस्टेंस है 10, यहां से आया और ये 20, तो 20 प्लस 10 उसे टोटल 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा बैक टू होम स्टेट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। गनी वॉक 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, फर्दर ही मूव 20 मीटर्स आफ्टर टर्निंग टू राइट, हाउ फार ही इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन? अगेन हमें डायरेक्शन चार्ट चाहिए, ये डायरेक्शन चार्ट आ गया। सबसे पहले नॉर्थ की तरफ वो 20 चला है, तो हम ये कहते हैं दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से वो 20 नॉर्थ में चला गया, ये नॉर्थ में, अब वो यहां मौजूद है और फेस उसका नॉर्थ की तरफ है। टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ मूव करेगा, तो लेफ्ट एंड वॉक 40, अब वो इस तरफ गया है 40, ये आ गया जी 40, अब वो उसका फेस है इस तरफ वेस्ट की तरफ और वो इस पॉइंट पर मौजूद है, ये अगेन लेफ्ट, फिर लेफ्ट पर जाता है और 20 मीटर चलता है, लेफ्ट इसका आएगा इधर काउंटर क्लॉकवाइज, ये यहां पर इसने 20 का डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो यहां पहुंच गया इस पॉइंट पे, ये भी 20 है। फर्दर ही मूव 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू राइट, फिर वो राइट पर, तो क्लॉकवाइज आ जाए, ये क्लॉकवाइज ये हो गया, अब ये 20 का डिस्टेंस उसने यहां ट्रैवल, अब वो यहां मौजूद है, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, तो ही हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, तो कितना दूर है? देखें ये 20 था और ये दरमियान में 40 का डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस उसे 60 मीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा बैक टू इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें जब क्लॉकवाइज
जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेंजेस या मूवमेंट की बात की जाती है, टर्निंग की बात की जाती है, तो इसके साथ कोई ना कोई एंगल भी अटैच होता है। जाहिर है क्लॉकवाइज टर्न, कितना टर्न, तो क्लॉकवाइज तो इस तरह से हो सकता है कि वो इतना टर्न ले, वो इतना टर्न ले, यानी कि हम यूं भी घुमा सकते हैं 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे ला सकते हैं, या इससे भी ज्यादा टर्न ले सकते हैं, हम ये टर्न भी ले सकते हैं। तो क्लॉकवाइज तो छोटे एंगल से 20 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, कोई भी एंगल हो सकता है। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज में भी कोई भी एंगल हो सकता है, क्योंकि ये कोई डिटरमिनेंट नहीं है कि कितना, ये तो सिर्फ और सिर्फ उसकी रोटेशन को जाहिर करता है कि किस डायरेक्शन में रोटेशन होनी है, किस डायरेक्शन में टर्न लेना है, कितना टर्न लेना है, उसके लिए उसे बताना पड़ेगा। तो इसके लिए देखते हैं कि हम किस तरह से मूव कराते हैं चीजें। मतलब यही ये चार्ट हमारे पास है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब वो कहते, अगर हमारे पास एक इनिशियल डायरेक्शन है ये, कि यहां पर नॉर्थ की तरफ कोई शख्स मौजूद है फेस करके, अब वो 45 डिग्री, यहां से हम कहते हैं कि जी 45 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट टर्न लेता है। तो अब इसको कैसे करें, इसका तरीका ये होता है कि यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप कोऑर्डिनेट की तरह से डायरेक्शन ले रहे हैं। ये जाहिर है नॉर्थ, ये ईस्ट। अब हमने 45 डिग्री ईस्ट लेना है, तो अब इस लाइन के लिहाज से, इस लाइन के लिहाज से 45 डिग्री ये बनेगा, ये एंगल 45 डिग्री हमने लेना है। अगर ये डायरेक्शन होती ईस्ट और हमने नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री लेना है, तो हम कहेंगे कि इसको आगे ले चलें, एक इसके परपेंडिकुलर लाइन ले लें, अब यहां पर 45 लें नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ इतने टर्न लिया, लेकिन कितना, 45 डिग्री। तो ये बहुत आसान काम है कि इस जगह के ऊपर ये आप ड्रॉ कर लिया करें। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि किस डायरेक्शन में टर्न लें। अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं जिसमें डायरेक्शन ऑलरेडी किसी और एंगल पर होती है। मसलन अगर हम कहें कि ये पहले नॉर्थ में था, फिर ये नॉर्थ ईस्ट में चला गया, अब डायरेक्शन है ये है नॉर्थ ईस्ट, और आपने इसे चेंज कराना है कि फर्दर इसने टर्न लिया है 45 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। तो आप इसको कैसे चेंज करें, तो इसका तरीका यह है कि आप इसको सपोज करें कि ये स्ट्रेट लाइन है, और यहां पर आप डायरेक्शन चार्ट में से इसका पार्ट ले आए, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। अब आप इसको नीचे की तरफ 45 डिग्री पे लाए, ये अब आपने जो नॉर्थ ईस्ट था उसे 45 ईस्ट पर लेकर आए, तो जाहिर सी बात है उसे ईस्ट में आ जाना चाहिए था। तो अब इसकी डायरेक्शन होगी ये, पहले उसकी डायरेक्शन ये बन रही थी कि वो इस तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ टर्न लिया, उसने यहां आ गया। तो बजाय इसके कि आप इसको किसी और तरीके से करें, ये सबसे आसान और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा कि आप सीधा सपोज करें कि ये स्ट्रेट लाइन इसकी है, और इस पर आपने, मैं इसको कलर से शो करता हूं, ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन थी, ये इस तरफ था, आपने ये कॉर्डिनल और आपने यहाँ कॉर्डिनल सिस्टम लाकर रखा है इसके इस पॉइंट पर, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ओरिजिनल डायरेक्शन जो ब्लैक में शो हो रही है उसको आप 45 नीचे की तरफ टर्न कराएं, तो एक्चुअल डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये ऑलरेडी अगर स्टैंडर्ड डायरेक्शन में ना हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वगैरह में, और इन बिटवीन कोई डायरेक्शन हो, तो ये आसान तरीका है कि उसके एज पर आप ये सिस्टम सोचें या ड्रॉ करें, और उसके बाद उसको एंगुलर चेंज में लाएं। अगर यही क्वेश्चन ये होता है कि इसको नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री पर लेके जाना है, तो तब हम यही चीज करते और हम इसको 45 डिग्री इधर ले लेते, तो ये नॉर्थ की तरफ आ जाती, इसकी डायरेक्शन फिर ये होती। अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं बड़े एंगल्स की, यानी कि 90 डिग्री से जो बड़े एंगल हैं उनको हमने ट्रीट कैसे करना है। तो सबसे पहले आता है 180 डिग्री। देखें 180 डिग्री इस तरह होता है कि एक फेस इधर है, या डायरेक्शन इधर है, या एक लाइन इधर है, और दूसरी लाइन ये है। तो
इन दोनों के दरमियान एंगल होता है 180 डिग्री। अगर किसी शख्स का फेस है ईस्ट की तरफ और ये 180 डिग्री टर्न लेता है, तो 180 डिग्री अगर टर्न लेना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अगर हम इसको इस लाइन को 180 डिग्री पर टर्न करके यूं लाएं या यूं लाएं, डायरेक्शन एक ही रहेगी। तो एक्चुअली क्या करना है, जब 180 डिग्री करना है तो उस लाइन को फ्लिप कर दें और कुछ नहीं करना, यानी कि इसकी डायरेक्शन उलट कर दें। अब अगर यहां से यहां तक इसकी डायरेक्शन थी ईस्ट की तरफ, तो जब ये 180 डिग्री टर्न लेगा तो ये घूम कर यूं हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर वेस्ट की तरफ हो जाएगी। अगर उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ थी, 180 डिग्री टर्न लेने के बाद उसकी डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट की तरफ। तो अगर वो वर्टिकल था तो वर्टिकल फ्लिप कर दें, और अगर वो हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल फ्लिप कर दें, जिसके बाद उसकी डायरेक्शन एडजस्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं 180 से भी बड़े एंगल, उसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन में शामिल होता है वो है 270 डिग्री की ट्रीटमेंट। अब 270 डिग्री की ट्रीटमेंट जो है वो दो हिस्सों में होती है, क्योंकि 270 इकट्ठा एक ही दफा करेंगे, हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि इसको दो हिस्सों में कर लें, क्योंकि 270 डिग्री इक्वल होता है 180 प्लस 90 डिग्री। तो 180 की डिग्री की ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है, इसमें तो फ्लिप ही करना है, तो उसके बाद 90 अप्लाई कर दें, तो ओवरऑल इफेक्ट 270 का आ जाएगा। मसलन अगर एक डायरेक्शन ये दी गई है कि ये ईस्ट की तरफ है और हमने इसे टर्न करना है डायरेक्शन को 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 180 डिग्री अप्लाई करें। अब 180 डिग्री को अप्लाई करना तो बहुत आसान है, फ्लिप कर दें यानी कि रिवर्स कर दें डायरेक्शन, ये चला गया वेस्ट की तरफ। अब इसकी डायरेक्शन इधर है वेस्ट की तरफ, अब इसका मतलब है 180 तो हो गया खत्म, ये क्लॉकवाइज में इधर चला गया। अब बाकी बचा 90। अब 90 क्लॉकवाइज में करना बहुत आसान है, क्लॉकवाइज में 90 होगा ये, तो अब आप देखें कि ये 90 और ये 180, अब 270 डिग्री अप्लाई हो चुका, क्योंकि अलग अलग करके 180 बिल्कुल आसान है और 90 उसके परपेंडिकुलर होता है तो वो भी आसान है। तो इस तरह से अगर डायरेक्शन है ईस्ट में, 270 डिग्री के बाद वो नॉर्थ में चली जाएगी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिहाज से। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चार्ट। वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है उसने, ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइंड विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो स्टार्ट करते हैं, फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ उसका फेस है, तो वेस्ट की तरफ फेस किधर होगा, ये हम कहते हैं कि जी उसका फेस है वेस्ट की तरफ, ये उसकी स्टार्टिंग पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन ये है, इसका फेस वेस्ट की तरफ है। अब क्या करता है, 45 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेता है 45 डिग्री। 45 डिग्री अब उसने टर्न लेना है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अब यहां से क्लॉकवाइज किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज होता है इस तरह, यानी कि ये इस तरफ जाएगा ऊपर की तरफ, तो 45 डिग्री किधर बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन थी 45 डिग्री, इसका मतलब है अब उसका फेस इधर आ गया, ये टू नंबर है, ये इसने यहां से 45 डिग्री टर्न लिया। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्या है, एंड देन अनदर 180 डिग्री, अब 180 डिग्री में फ्लिप कर दें, 180 डिग्री में ये इधर इसका फेस हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट करना होता है, अब इसका फेस है इस तरफ, ये थर्ड पोजीशन है। एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज हमने जाना है काउंटर क्लॉकवाइज 270, तो पहले हम करेंगे 180 और फिर करेंगे 90 की ट्रीटमेंट, तो 180 में ये दोबारा वापस यहीं पहुंच जाएगा, अब इसका फेस इधर होगा आफ्टर 180 डिग्री, ये हमने 180 डिग्री उसे टर्न करा दिया काउंटर क्लॉकवाइज। उसके बाद अब इसने 90 डिग्री टर्न लेना है
इसी तरह से घूमते हुए। तो ये इसकी डायरेक्शन थी, ये इसका 90 डिग्री टर्न है। तो अब उसका फेस इधर होगा, ये 90 डिग्री का उसने टर्न ले लिया। तो ये लास्ट पोजीशन है इसकी, ये थी फोर्थ और ये फोर्थ डैश, क्योंकि ये दो हिस्सों में था। पहले हमने 180 टर्न कराया और फिर 90 डिग्री, तो अब इसकी डायरेक्शन है ये। अब ये डायरेक्शन किधर है, तो आप क्या करें, यहां से स्टैंडर्ड डायरेक्शंस यहां पर रखें, ये नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो और ये है नीचे की तरफ है साउथ, ये डायरेक्शन है, इधर ईस्ट था, ये हमने यहां रखा। ये खुद किधर जा रहा है, इधर। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, जो के ऑप्शन ए में दी गई है। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस है, ये हम कहते हैं उसका फेस है नॉर्थ की तरफ, ये आ गया जी नॉर्थ की तरफ फेस उसका। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज जाएगा, तो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी ये। अब 45 डिग्री उसने टर्न लेना है क्लॉकवाइज, तो वो जाएगा इधर। अब उसकी डायरेक्शन है ये, इसका फेस इधर है, ये टू नंबर आ गया, ये फर्स्ट था। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ही 180 डिग्री लेगा तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी कि वो यहां आ जाएगा, ये इसकी इसका फेस अब इधर है, इन द सेम डायरेक्शन। एंड देन 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज दिख, तो ये 180 डिग्री के बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेना है उसने, तो एंटी क्लॉकवाइज वापसी की तरफ, तो 45 डिग्री लेना है, तो ये उसकी ऑलरेडी डायरेक्शन है। और यहां पर है नॉर्थ, इधर है वेस्ट और इधर है साउथ, यानी कि वो ऑलरेडी इस तरफ जा रहा था, इसका फेस था इधर, अब उसने 45 डिग्री टर्न लेना है, तो उसका फेस हो जाएगा इधर, ये 45 डिग्री है। तो ये है साउथ, जो के ऑप्शन डी में दिया गया। ए गर्ल वॉज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट, देन शी टर्न लेफ्ट, देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन वॉज शी गोइंग नाउ, टूवर्ड दी वेस्ट, तो गर्ल जो है वेस्ट की तरफ जा रही है, तो फर्स्ट इसका फेस है इधर, ये उसका फेस है फर्स्ट वेस्ट की तरफ। देन शी टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट लेफ्ट का मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज नीचे की तरफ, तो उसने टर्न लिया इधर, अब उसका फेस है इधर नंबर टू। देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, अब क्लॉक इस तरफ जाता है, तो क्लॉकवाइज अब उसका फेस हो गया इधर, ये थर्ड आ गया। इन विच डायरेक्शन शी वॉज गोइंग नाउ, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये है वेस्ट, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। शाहिद स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स वेस्ट वर्ड, ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न, ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड देन राइट, बिफोर ईच टर्न ही वॉक्स 3 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब इसमें 3 का कोई खास रोल नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन पूछी जा रही है। तो देखिए हम स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले किधर था, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट किधर है, उसका फेस था इधर, ये आ गया उसका पहली पोजीशन। फिर वो 3 किलोमीटर आगे गया, यानी कि अब उसका फेस इधर है। ही देन टेक लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न होता है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि अब नीचे की तरफ, अब उसका फेस आ गया इधर। बेशक आप लिख लें कि ये 3 किलोमीटर है, ये भी 3 है, लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फेस की डायरेक्शन ही बतानी है, ये उसका फेस नीचे की तरफ है। देन राइट, फिर वो राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इधर, अब उसका फेस है इधर, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है वेस्ट, जो के ऑप्शन सी में दिए। अब हम आते हैं शेडोज की तरफ, शेडोज के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें भी पर्टिकुलर पोजीशन मौजूद होती है। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होगा, मॉर्निंग में सन हमेशा ईस्ट में होगा, जैसा कि यहाँ शो किया गया है कि ईस्ट में मॉर्निंग में सनराइज होता है ईस्ट में, तो शेडो किधर बनेगा, शेडो बनेगा वेस्ट में। अगर ये पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, तो इसका साया जो होगा वो तो वेस्ट में आएगा,
और शाम के वक्त की बात करें सनसेट के वक्त, तो सूरज जो है, जो सन है वो वेस्ट में होता है, तो शेडो किधर बनेगा? ईस्ट में बनेगा। तो ये तो है इसका बेसिक। फिर इसमें उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और नॉर्मली इसी किस्म के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक शख्स सुबह के वक्त खड़ा हुआ है सूरज के सामने, और उसका जो शेडो है वो लेफ्ट साइड पर, उस पर्सन के लेफ्ट साइड पर शेडो बनता है, तो आप बताएं कि उस पर्सन का फेस किधर है। तो देखें, हम कहते हैं ये सन है, और जाहिर है सन कहाँ होगा? ईस्ट में होगा मॉर्निंग के वक्त। अब पर्सन यहां खड़ा हुआ है, अब उसका शेडो हमने लेना है लेफ्ट पर, अब लेफ्ट पर शेडो है तो शेडो तो इधर आना है वेस्ट में, शेडो उसका वेस्ट में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्सन का ये वाला साइड जो है ये लेफ्ट साइड है, इस साइड के ऊपर उसका शेडो आएगा, क्योंकि अगर सन ईस्ट में है तो जाहिर है वेस्ट में शेडो होगा, और उसने कहा कि शेडो उसके लेफ्ट साइड पर है, तो आप देखें कि अगर लेफ्ट साइड ये हो तो उस शख्स का फेस जो होगा वो किधर होगा? उसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, यानी कि अवे फ्रॉम द स्क्रीन। जो आप देख रहे हैं इस साइड पे जो हमें नजर आ रहा है ये उसका सर होगा, और दूसरे साइड पर उसका मुंह होगा, तो ये लेफ्ट साइड बनेगी, और साया जो है वो जो शेडो है वो लेफ्ट पर आ रहा है वेस्ट पर। तो अगर हम ईस्ट और वेस्ट में देखें तो इस साइड के ऊपर राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे शेडो मौजूद है, तो इस तरह से वो बंदा खड़ा है। तो आप खुद देखेंगे, आप इस वक्त भी स्क्रीन के लिहाज से अगर आप देखें तो आपकी राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, जबकि फेस किधर है? फेस आपका सामने की तरफ है, तो ये फेस इस वक्त इसका नॉर्थ की तरफ है, तो इसका शेडो लेफ्ट होगा। अगर क्वेश्चन ये होता कि ये पर्सन खड़ा हुआ है और शेडो उसका बन रहा है वेस्ट में, ठीक है, लेकिन वो ये कहता है कि ये राइट साइड है इस पर्सन की, ये राइट साइड होगी तो फिर ये लेफ्ट होगा, इस तरफ सन मौजूद है ईस्ट में, तो आप देखें कि ये पोजीशन कब हो सकती है? जब आपका फेस इस तरफ हो, यानी कि आप इस तरफ स्क्रीन से बाहर देख रहे हो आपकी तरफ, तो लेफ्ट साइड इधर आएगा, राइट साइड इधर आएगा, आप शेडो क्योंकि राइट साइड पर है तो लाजमी तौर पे आपका फेस आउट ऑफ स्क्रीन होगा, यानी कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ देख रहा है इस टाइम। तो ये दो ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो अवे फ्रॉम द स्क्रीन होगा तो फेस नॉर्थ पे जाएगा, लेफ्ट पर शेडो आ जाएगा, अगर राइट पर शेडो है तो वो पर्सन आपकी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वन मॉर्निंग रिजवान एंड शकूर वर टॉकिंग टू इच अदर, सिटिंग अपोजिट टू इच अदर, और अपोजिट टू इच अदर यानी कि आमने सामने खड़े हुए हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट रिजवान शेडो फेल टू हिज राइट, राइट साइड पर शेडो बन रहा है, वही चीज जो अभी हमने डिस्कस की थी कि इधर अगर सन है तो ये ईस्ट है, क्योंकि ये मॉर्निंग की बात हो रही है, और अगर हम कहें कि उसका शेडो वेस्ट में होगा और उसने साथ ही ये दिया है रिजवान शेडो फेल टू हिज राइट, राइट साइड पर है, तो ये रिजवान है मौजूद है, ये उसकी राइट साइड कब होगी? शेडो के साइड के ऊपर राइट कब आएगा? जब उसका फेस आपकी तरफ होगा, तो इसका मतलब है वो आपकी तरफ है, इधर साउथ है, दूसरी तरफ अगर ये उलट होता तो नॉर्थ, इस तरफ आपकी तरफ है तो ये साउथ, तो ये साउथ की डायरेक्शन में इसका फेस है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। वन मॉर्निंग आफ्टर डॉन पाशा वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ए रॉड, द शेडो ऑफ द रॉड फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। अब अगेन ये मॉर्निंग है, तो आप देखें कि इसको सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं जी मॉर्निंग है तो इधर सन अगर मौजूद है तो ये ईस्ट है और इधर वेस्ट है और इधर शेडो मौजूद होगा, शेडो तो लाजमी तौर पे वेस्ट में ही आना है। पाशा वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए रॉड, द शेडो ऑफ द रॉड फेल एग्जैक्टली टू टू हिज राइट। अब आप देखें कि
उसका फेस इधर और ये रॉड है, ये पाशा है और ये रॉड है। अब जो इसका शेडो है जो कि वेस्ट में होगा लाजमी, लेकिन इसकी राइट साइड पर है, इस बंदे की राइट साइड पे, इसका मतलब है इसकी राइट साइड इधर है, क्योंकि इसका शेडो वो कहता है कि इसके राइट साइड पर है, तो शेडो तो बनना ही वेस्ट में है, तो इसका तो रॉड या पर्सन से कोई ताल्लुक नहीं है, शेडो ने तो वेस्ट में ही होना है। अब वो कहता है कि पाशा के राइट साइड पर है इसका शेडो, ओके, तो यहां पर अगर है तो इसका मतलब है वो पाशा की राइट साइड पर शेडो है, राइट साइड पर शेडो है तो इसका मतलब है राइट साइड कब बनेगी, जब वो फेस आपकी तरफ होगा उसका, तो ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, फेस टूवर्ड्स यू, जो आप देख रहे हैं आपकी तरफ इसका फेस होगा, तो ये किधर होगा, साउथ की तरफ, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। रानी गोज 10 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 16 किलोमीटर, देन शी टर्न्स राइट एंड गोज 10 किलोमीटर, एंड देन शी टर्न्स राइट एंड गोज 16 किलोमीटर, एट वट डिस्टेंस इज शी फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट नाउ। तो सबसे पहले डायरेक्शन चार्ट, तो वेस्ट की तरफ, वेस्ट किधर होगा, अगर हम इसका कहते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो 10 वेस्ट की तरफ, ये आ गया जी 10 वेस्ट की तरफ, देन टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट होता है काउंटर क्लॉकवाइज, तो 16 ये इस तरफ आ गई, देन शी टर्न्स राइट, अब राइट साइड होता है क्लॉकवाइज, ये हो गया 10 किलोमीटर, एंड देन शी टर्न्स राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, कितना है 16, तो ये 16 यहां आ गई, अब वो इधर मौजूद है। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट, ये दरमियान में भी 10 है, 10 और 10 20, जो के ऑप्शन डी में दिया गया। रमजान पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। अब देखिए नॉर्मली क्लॉक किस तरह होता है, ये क्लॉक है और ये डायरेक्शन चार्ट है। अब इसमें उसने जो इंपॉर्टेंट चीज दी है वो है कि आवर हैंड पॉइंट टू नॉर्थ, यानी कि आवर हैंड तो एग्जैक्टली 6 की पोजीशन पर यूं होगी, ये आवर हैंड है, 6 बजे वो एग्जैक्टली 6 की तरफ होगी, तो अगर उसने इसको नॉर्थ में रखना है तो 6 बजे यहां होगी, और जाहिर है जो मिनट वाली नीडल है, मिनट हैंड जो है वो 12 की तरफ होगी, तो क्लॉक इस पोजीशन में रखा हुआ है, ये 12 इधर है और 6 इधर है, क्योंकि आवर हैंड इधर है और वो नॉर्थ की तरफ हमने लेना था, तो बाकी पोजीशंस क्या होंगी, तो आप देखें कि आप 3 इधर आएगा, क्योंकि नीडल ने मूव करना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ये 1 2, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये फिर 4, ये 5 और ये 6, फिर 7 8 और ये 9, फिर 10 और 11 एंड 12, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको रखा है मूवमेंट को, तो 6 यहां पर मौजूद है नीडल ओवर हैंड, इसके लिहाज से अब हमने देखा कि क्लॉक इस पोजीशन में रखा हुआ है। अब हमने बताना क्या है कि मिनट हैंड याद रखना है, मिनट हैंड एट 9:15, 9:15 पर मिनट हैंड की डायरेक्शन क्या होगी, तो अब आप देखें कि 9:15 पे सिचुएशन क्या होगी, 9:15 पे जो आवर हैंड है वो तो यहाँ कहीं होगी, 9 पे एग्जैक्टली नहीं होगी, थोड़ा सा आगे जा चुकी होगी, क्योंकि 15 मिनट आगे टाइम जा चुका है, 9:15 पे हमने बताना है, तो वो एग्जैक्ट 9 पर नहीं होगी, लेकिन ये तो हमारी अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है, हमने तो बताना है मिनट, मिनट हैंड को, तो इसलिए मिनट हैंड एग्जैक्टली यहां पर होगी 3 की डायरेक्शन में, रीजन उसकी कि देखें अगर नॉर्मल क्लॉक भी हो तो 9:15 अगर हम कहें तो 9:15 ये वाली नीडल तो यहाँ 15 मिनट यानी कि 3 पर होगी और 9 वाली थोड़ी सी 9 से आगे होगी, इसको हमने कंसीडर नहीं करना, लेकिन ये तो 3 की तरफ होगी ना, तो 3 तो इस केस में यहाँ आ रहा है जिसकी डायरेक्शन है ये, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये है आपके पास वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ इस नीडल ने होना है, जो के ऑप्शन डी में दिया गया।
ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट. आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर. नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, अब हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं टूवर्ड्स साउथ. तो साउथ किधर है? नीचे की तरफ. तो हम कहते हैं कि वो यहां से स्टार्ट हुआ और उसने ये इस पॉइंट से वो चला है, यहां पहुंच गया और ये है डिस्टेंस 5 का. अब टू द राइट, राइट का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज. अब वो टर्न लेगा इस तरफ और वो 3 किलोमीटर जाता है. ये आ गया उसका 3 किलोमीटर. अब उसका फेस इधर है वेस्ट की तरफ एंड देन फिर वो लेफ्ट की तरफ टर्न लेता है. लेफ्ट जो होता है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि अब ये नीचे की तरफ जाएगा और ये है 5. नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट. अब देखें ये डायरेक्शन तो हमें नजर आ रहा है साउथ की तरफ है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट के लिहाज से इसकी डायरेक्शन क्या है. तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिहाज से तो इसकी डायरेक्शन ये बनती है कि वो ये डायरेक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट के लिहाज से, जो कि ये है. अब इसको डिटरमिन करने के लिए तो अगेन आप यहाँ पे कार्डिनल चार्ट लेकर आए. ये है वेस्ट और ये है साउथ. तो इसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, जो कि ऑप्शन डी में दिए. ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल. इफ एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के. के के लिहाज से एम की डायरेक्शन. तो अब इसको ड्रॉ करते हैं के. के को अगर हम यहां रख लेते हैं तो 40 मीटर साउथ वेस्ट. तो देखें साउथ वेस्ट किधर होगा? साउथ वेस्ट इधर बनता है. तो ये साउथ वेस्ट एल के लिहाज से इस तरफ डायरेक्शन है एल के लिहाज से और ये है 40. फिर दूसरी बताया है साउथ ईस्ट ऑफ एम, जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट. ये साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट है इस तरफ और ये भी 40 है क्योंकि साउथ ईस्ट इधर डायरेक्शन बनती है. तो अब हमने बताना है कि ये इसकी एम की पोजीशन है. अब हमने बताना है कि ये एक दूसरे के लिहाज से किस डायरेक्शन में है. देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के लिहाज से एम किधर है? एम इधर है. ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, जो कि ऑप्शन ए में दी गई. शाहिद वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर. अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर. फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर. हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो सबसे पहले देखें कि टूवर्ड्स द ईस्ट, हम ये कहते हैं कि जी ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो ईस्ट में चलता है 5 किलोमीटर. ये आ गया 5 लेफ्ट की साइड पर. तो लेफ्ट कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऊपर की तरफ. यहां पर फिर वो चलता है 6 किलोमीटर. ये 6 किलोमीटर. अगेन ही टर्न्स राइट, फिर वो राइट साइड पर टर्न लेता है, क्लॉकवाइज होगा एंड 9 किलोमीटर. ये हम कहते हैं 9 किलोमीटर. फाइनली टर्न्स टू इज राइट, राइट क्लॉकवाइज में जाएंगे नीचे की तरफ और ये है 6 किलोमीटर. ये आ गया 6 किलोमीटर. फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट उसका डिस्टेंस क्या? स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है और दरमियान में ये डिस्टेंस है 9. यहां से आ रहा है तो दोनों को ऐड करें, 5 प्लस 9, तो स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान 14 का डिस्टेंस है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया. जो वेंट 35 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड मैरीज हाउस, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर्स. नाउ ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 80 मीटर्स. फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 15 मीटर्स. हाउ फार जो इज फ्रॉम मैरीज हाउस. तो देखें टूवर्ड्स ईस्ट 35 वो सबसे पहले चलते हैं ईस्ट की तरफ. फर्क क्या? उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो यहां से वो 35 चलता है फ्रॉम मैरीज हाउस. ये मैरी का हाउस है, ये
मैरी हाउस। ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर की तरफ ले लें। यहां पर वो 15 का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। टेक्स ए लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न लिया उसने और 80, तो वो यहां कहीं पहुंच गया 80। फिर लेफ्ट की तरफ तो काउंटर क्लॉकवाइज नीचे की तरफ और चलता है 15, ये 15। अब वो यहां आ गया है। अब हाउ फार जो इज फ्रॉम अमेरिका, अब यहां से ये डिस्टेंस कितना है, तो जाहिर है कि ये 80 माइनस 35 है, तो 80 में से 35 को लेस कर दें तो ये आ गया 45, जो के ऑप्शन बी में दिया गया है। जमाल इज फेसिंग टुवर्ड साउथ एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ही टर्न्स अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ ही टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब आप देखें कि सबसे पहले टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ उसका फेस है, हम कहते हैं कि उसका फेस, ये उसका फेस है नीचे की तरफ। फिर वो टर्न लेता है एंटी क्लॉकवाइज 40 डिग्री। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरफ, तो उसका फेस 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब उसका फेस है इधर, ये टू स्टेप, ये फर्स्ट था, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ही टर्न्स अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज 180 से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फ्लिप कर दें, रिवर्स कर दें, तो इसकी अब इसका फेस इधर होगा, ये थर्ड स्टेप, 180 डिग्री फिर टर्न ले लिया है। क्लॉकवाइज ले लें या एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ ही टर्न्स 270 क्लॉकवाइज। अब 270 को हम कैसे करते हैं, हम करते हैं इसको टू स्टेप्स में, पहले 180 की ट्रीटमेंट करें फिर 90 की ट्रीटमेंट करें। तो अब हम 180 को ट्रीट करते हैं, 180 डिग्री किस तरफ, क्लॉकवाइज, क्योंकि 270 क्लॉकवाइज है तो 180 भी क्लॉकवाइज होगा, 90 भी क्लॉकवाइज। तो जब 180 क्लॉकवाइज लेंगे तो ये घूमकर दोबारा वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और फ्लिप ही करना था यानी कि रिवर्स करना था, तो अब इसकी डायरेक्शन है ये आफ्टर 180 डिग्री। अब मजीद 90 डिग्री लेना है, तो 90 डिग्री किधर बनेगा, 90 डिग्री इसका बनेगा इस तरफ, ये 90 डिग्री है। अब इसका फेस है इस तरफ, तो पहले हमने 180 किया और फिर 90 किया, तो टोटल 270 का टर्न आ गया। अब इसका फेस किधर है, ये तो यहां पर देखें कि इसका फेस आ रहा है इधर, ये बनता है साउथ वेस्ट, जो के ऑप्शन सी में दिया गया।